सो गाइज, आज हमारा मिशन चल रहा है सफाई मिशन, जिसमें हमारे आदित्य जी हमारी मदद कराएंगे। अब देख सकते हो यहाँ पे जितनी हमारा गंद पड़ा था पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा, हम सभी साफ करेंगे। देख सकते हो सारा सामान नीचे फेंक दिया है, और अभी इस मग में हमने सर्फ वाला पानी डाला है, और एक एक गंदा कपड़ा है, तो अभी पूरी साफ करेंगे। बर्तन धोने वाला विम गाइस। सो गाइज, ये बर्तन धोने जा रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कितने सारे बर्तन धोने वाले हमने छोड़े हुए हैं। तो गाइज, आज का बस यही है कि कल का एग्जाम तो हमने दे दिया, और अभी चार छुट्टियाँ हैं पीपीएस के पेपर में। तो गाइज, बस अभी हमारा यहाँ पे जो है मिशन सफाई चल रहा है, तो आज के दिन पूरा सफाई होने वाली है। तो चलो, बड़ा शीशा तो नहीं है, पर फिर भी चलो एडजस्ट कर रहे हैं। तो चलो गाइज, पहले हम ये पूरा स्लैब में अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना मैगी वगैरह बनाई थी, तो बहुत कुछ जम गया है। और नीचे आप देख सकते हो कितना सारा, जो भी यहाँ पे जितना भी कूड़ा था, जस्ट सब उठा के नीचे फेंक दिया गया है। और जो काम वाली चीज़ें होंगी वो हम उठा लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लीड वगैरह पड़ी हुई है। आ देखो जी, मुंडे लगे काम ते, पहली बार कमरा इन्हां दा गंदा हुंदा है, वार्डन रोज इन्हां दे कमरे दी फोटो खिंच के लग जांदा है। ते इन्हां नूं संग शर्म आदी नहीं। वार्डन से बहुत बेइज्जती करवाने के बाद फाइनली हम कमरा साफ कर रहे हैं। सबसे मशहूर हमारे कमरा 119, जो भी हो भाई 119 में पहले आना है। तो चलो ठीक है गाइस, ये स्लैब अच्छे से साफ हो गई है। सो गाइस, लवनीश जी भी हमारी मदद करते हुए। सो गाइस, फाइनली भी मिल चुका है, और अभी आदित्य बर्तन मांजेगा। ध्यान ना पुत्र, पानी पड़ाइयो, देखना जाइ। सो गाइस, यहाँ पे पूरी स्लैब साफ कर रहे हैं हम, अभी पानी फेंक दिया है, अभी इसको सूखे कपड़े से पोंछ देंगे, तो स्लैब भी साफ हो जाएगी। गाइस, कपड़ा मिला नहीं, ये पॉलिथीन से इसको पोंछ देंगे। सो गाइस, अभी हम इसको अच्छे से पोंछ लेंगे, बाकी गाइस पानी स्लैब में मत रहे। उसके बाद पंखे लगा देंगे, और पंखे लगाने के बाद हम बर्तन मांजने की तरफ चल जाएंगे, बर्तन साफ कर देंगे। गाइस, ये हमारा एक दो महीने का गंदा जो हम आज साफ कर रहे हैं, आज का दिन हम सफाई करने वाले हैं, सफाई अभियान हमारा पूरा। तो स्वच्छ 119 साल है पूरा स्वभाव थोड़ी ना धोना आपका। सो गाइस, सबसे पहले तो डस्टबिन में डालो, आगे से रूम में भी डस्टबिन लगाएंगे। और ये है गाइस हमारे बर्तन जो हम धोएंगे। सो गाइस, यहाँ पे आदित्य जिंदगी में पहली बार बर्तन धो रहा है। और गाइस, इसमें कुछ वो नहीं है, हॉस्टल है गाइस, हम खाएंगे, हम ही धोएंगे, घर वाले तो आएंगे ना। यहाँ पे मैगी खाने के चस्के लोगे तो धोना तो पड़ेगा गाइस। इसको पड़ी हुई मेरे ख्याल से 2.5 महीने हो गया, ये लास्ट एमएसटी में खाई थी हमने। सो गाइस, यहाँ पे जलेबियाँ बनाते हुए आदित्य जी विम की जलेबियाँ। सो गाइस, यहाँ पे तीनों बर्तन हमारे साफ हो चुके हैं, और ग्लास भी, बस अभी इसको पानी से निकालना बाकी है, थोड़ा सा साबुन लगा के। तो चलो, जब तक ये आदित्य ये कर रहा है, तब तक हम बेटे, ताड़े कमरा साफ है, ताड़े कमरे का भी टूर कर आने चला यार, ताड़े कमरे का ठीक है यार। सो गाइस, आओ आपको हम इसका कमरा दिखाते हैं, ये बहुत टोर से घूम रहा है, इसका कमरा भी ऐसे ही गंदा होगा। हमारा कमरा हमेशा साफ रहता है। हैं, सो गाइस देखते हैं इनका कमरा, कौन सा रूम नंबर क्या है भाई आपका? 108 गाइस, ये 110, ये 109, और आगे 108 देख। सो गाइस, सो गाइस इनका कमरा देखो, स्टार्टिंग होते ही देखो गाइस, ये किसके कच्चे है बेंच, बर्तन इनके भी धोने वाले हैं, वो बात लगे धोते नहीं है। ये मैस के ग्लास उठा के लाया कंफर्म। सो गाइस, ये मैस के ग्लास उठा के लाए हैं, अभी इसको उठा के मैस में रख देंगे। बहुत दिमाग है इनका। और ये भाई हमारे चिराग भाई, चिराग ही है ना। सो गाइस, चलो बढ़िया कमरा भाई आपका, कैसा हुआ? अच्छा है। वो लिखवाया कोड वगैरह लिखवाया? हां, फोर लोग की कंडीशन लिखवाई थी मेरे से। अच्छा, फोर लोग की? हां, फोर लोग की। हमें तो तीन प्रैक्टिकल दिए, वो तो जो मर्जी कर दो दोनों में भाई, बंद कर दिए उसको भाई। सो गाइस, इन लोग को आज प्रैक्टिकल था पीपीएस का, हमारा होगा 19 को। सो इनसे थोड़ी बहुत टिप्स ले लेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पे बर्तन साफ हो रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पे बर्तन साफ हो चुके हैं, और अब इसको हम थोड़ा सा सूखने के लिए डाल देंगे, मतलब सुखा देंगे। रूम में गाइस पंखे चल रहे हैं हमारे, सो पहले तो जाके जल्दी से पंखे बंद करते हैं और देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे पंखे चला गए, अलमारी खुली छोड़ गया तू। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लैब मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तो सूख गई होगी, है वैसे अभी पंखा चलने देंगे ऐसी कुछ सूख जाएगी। और फिलहाल अभी हमारा काम है नीचे, जो हमने ये पानी फेंका है उसको करना है साफ,
तो सबसे पहले तो गाइस हम जो मोटी मोटी चीज़ें जैसे बूट हो गया, ये लिफाफे वगैरह हो गए, इसको उठा लेंगे। और उसके बाद गाइस हम वार्डन से पोचा लेके, मोप लेके सबको साफ़ कर देंगे, ठीक है। बेड के नीचे भी गाइस बहुत गंद होगा, ये देखो क्या हाल हो गया कमरे का, ये सारे बेड को आगे की करके सारा कचरा नीचे निकाल दिया, वाइपर तो मिला नहीं, तो पैरों से लगे हम सारा इसको साइड पे करना है। और अभी सब साइड पे जब बेड के नीचे से निकाल लिया है, अभी मोटी मोटी चीज़ें जो बूट पेन वगैरह ये उठा के हम रख लेंगे जो काम वाला है, बाकी सब एक कॉर्नर पर लेके हम लिफाफे में डाल के डस्टबिन में डाल देंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्लैब तो पूरी सूख चुकी है और बर्तन भी हमारे एकदम साफ हैं, साफ़ सुथरे हैं, ये दो काम तो हो गए। अभी भी बचा है गाइस इस कमरे का, तो देख सकते हो आप अभी हाल थोड़ा बुरा ही है, तो ये बेड तो मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, किधर कर दिया, और इसको भी हम थोड़ा पीछे कर देंगे, बीच में सारा पानी बच जाएगा और वो कूड़ा सारा एक साइड है, और मोटी मोटी चीज़ें पहले उठाएंगे, उसके बाद गाइस हम यहाँ पे वाइपर या पोचे से सारा पानी निकाल देंगे। गाइस यहाँ पे जो मोटा मोटा सामान था वो सारा मैंने इकट्ठा कर दिया इस बैग में, और अभी हम क्या करेंगे, अभी पानी रह गया सिर्फ, बाकी तो कमरा हमारा साफ़ हो चुका है, बस ये पानी है, इसको हम वाइपर से साफ़ करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें अरेंज कर देंगे। सो चलो अभी पहले इसको डस्टबिन में डाल आते हैं। तो वो गाइस हैंड वॉश कर लें पहले, यहाँ पे हमको वाइपर मिल चुका है और जल्दी से वाइपर मार लेते हैं, वाइपर मारने के बाद कमरा हमारा पूरा साफ हो जाएगा, तो मिलता हूँ आपको बाद में। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कमरा पूरा चमकने लग पड़ा है, और बस अभी यहाँ पे पोछा मारेंगे, पोछा कह रहा हूँ वाइपर मारेंगे, और वाइपर मारने के बाद गाइस फैन लगा के हम बाहर चले जाएंगे और पीछे से अपने आप कमरा सूख जाएगा। सो चलो देख सकते हो आप कितना सारा ये गंदा है, ये सारा पहले बाहर निकालेंगे, फिर बाहर से उधर आप देख सकते हो वहाँ पे एक होल है, वहाँ से हम बाहर निकाल लेंगे। डेली रूम साफ हो चुका है, और नाउ प्रेजेंटिंग 119। सो गाइस वेलकम, सो गाइस देख सकते हो आप पूरा कमरा साफ कर दिया है, अभी ये पानी है थोड़ा थोड़ा नीचे क्योंकि वाइपर मारा है, तो ये साफ हो जाएगा। उसके बाद ये है मेरा बेड, ये वंशी का बेड, ये आदित्य का, और वो उत्सव का, और उत्सव अभी पता नहीं कहाँ है, बेड बुड अपने गद्दे लेके शायद 121 में शिफ्ट हो गया। सो गाइस आप लोग को चाहे अच्छा लग रहा हो या नहीं लग रहा हो मेरे को नहीं पता, पर हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम क्योंकि पहले जो था ना गाइस उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया हमने, और बाहर भी गाइस आप देख सकते हो बाहर भी अच्छा कर दिया है, बाहर सारा पानी निकाला था और ये पानी उस साइड से हमने बाहर फेंक दिया, वहाँ पे होल था। सो गाइस यार यहाँ पे सफाई हो चुकी है, रूम आपको दिखा दिया, बहुत ही अच्छा हो गया है, और फिलहाल अभी 4:30 हो चुके हैं, मैस का टाइम, स्नैक्स का टाइम, तो चाय पियेंगे, देखते हैं साथ में मैस में क्या है, स्नैक्स में क्या है। सो चलो अभी हम जा रहे हैं मैस में। सो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं मैस में, लाइन आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है, हम नहीं जाते हैं लाइन में, लेजेंड सीधा आगे जाते हैं। सो क्या आज पकौड़े, सो गाइस आज पकौड़े किया है, तो गाइस आज मैं इसमें पकौड़े मिल रहे हैं, ये ले आया, और चाय पीता गाइस बाद में करवाएंगे। सो गाइस यहाँ पे पकौड़े मिल चुके हैं, गाइस यहाँ पे चाय और पकौड़े दोनों ले लिए हैं, और अभी हम चलते हैं रूम में, गौरव को रूम दिखाएंगे, देखते गौरव का रिएक्शन रूम देख के। सो चल गौरव यहाँ से तो गाइस देख सकते हो कमरा हमारा एकदम साफ हो चुका है, स्लैब तो पूरी साफ हो गई है, मानता फिर बर्तन भी साफ कर दिए, स्लैब भी साफ कर दी, ये भी साफ कर दिया, पंखे बंद कर रहा। सो गाइस अभी हम खाएंगे पकोड़े और पियेंगे चाय। सो चलो पहले ये चीज कर लेते हैं, उसके बाद जो जो होगा आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे, और ये हमारे कीप काम एंड लिसन टू बाबू मान। सो गाइस यहाँ पे भूख लगी थी तो मैं फूड कोर्ट आ गया, पिज्जा ऑर्डर किया है, अकेले खाएंगे बहुत। चलो सो गाइज मैंने पिज्ज़ा खा लिया है, और ये हमारा फूड कोर्ट आप देख सकते हो, इसके ऊपर है गाइज यहाँ पे न्यू बॉयज़ हॉस्टल जिसके 9th फ्लोर है, और जल्दी मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा, बाकी अभी मैं चलता हूँ अपने हॉस्टल में, हमारा हॉस्टल है सीधा सामने की तरफ। वैसे गाइज पिज्ज़ा तो खा लिया है, तो देखते हैं गाइज थोड़ी रुक के खाना खाते हैं, 9 बजे तक की टाइमिंग होती है खाने की, तो चलो जल्दी से पहले हॉस्टल चलते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं मैस में,
सो गाइस अभी मैं इसमें आया, आज यहाँ पे चावल, न्यूट्री और दाल है। तो गाइस आज के दिन में इतना ही गाइस, खाना खुना खा के हम आ गए थे, सो गए थे उसके बाद। और अभी गाइस 4:30 बज रहे हैं, पढ़ पुड़ के थोड़ा सा हम सो गए हैं। ये मेरे साथ यहाँ पे आदित्य है, बाकी दोनों तो गाइस घर गए हुए हैं। सो गाइस आज के इस व्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लियर देखते रहो मेरे चैनल की बेहतरीन वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।